दोस्तों यदि आप एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर से 20,000 ढूंढ रहे थे जिसमें आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए और साथ ही में एक स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाए तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करें टॉप 3 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए लाते रहता हूँ। जब बात हो एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 पिक करना तो ऐसे में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाती है और उन्हीं में से एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम बन जाते हैं। आपके इसी काम को आसान करने के लिए आज के लिस्ट में मैंने 3 ऐसे बेस्ट लैपटॉप इंक्लूड किया जो कि सारे के सारे एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आपके नीड्स और आपके रिक्वायरमेंट्स को देखते हो आपको कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए इन तीनों में से। इसके साथ ही ये वाली वीडियो भी जरूर चेक करें जिसमें मैंने बात की बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 80,000, तो इसे भी आप जरूर चेक करें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 खरीदते समय आपको किन बातों को ध्यान रखते हुए खरीदनी चाहिए। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की तो एक गेमिंग लैपटॉप में मिनिमम 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको एक बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगी बड़ी स्क्रीन होने के चलते। नेक्स्ट है प्रोसेसर की बात करें तो इस प्राइस में हमें 2 ब्रांड्स के प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। पहले AMD की तरफ से आने वाली Ryzen 5 प्रोसेसर और दूसरी Intel की तरफ से आने वाली कोर i5 प्रोसेसर। तो दोस्तों क्या आप Intel प्रोसेसर बेस्ड गेमिंग लैपटॉप लेना पसंद करेंगे या फिर Ryzen 5 प्रोसेसर बेस्ड गेमिंग लैपटॉप, नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट रैम की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको मिनिमम 8GB रैम देखने को मिल जाए। और दोस्तों अच्छी बात यह कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसे भी लैपटॉप इंक्लूड किया जिसमें आपको रैम अपग्रेड ऑप्शन देखने को मिल जाती है अप टू 32GB तक। और अब बात करें ग्राफिक्स की तो उस लैपटॉप में आपको मिनिमम 4GB ग्राफिक्स देखने को मिल जाए जिससे आप हाई ग्राफिक्स सेटिंग में भी एक स्मूथ गेम प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको गेमिंग लैपटॉप खरीदते समय ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप अपने लैपटॉप में ज्यादा गेमिंग करना पसंद करते हैं तो ये लैपटॉप कूलिंग स्टैंड भी आप खरीद सकते हैं जिससे आपकी लैपटॉप काफी कम हीट होती है और ये लैपटॉप कूलिंग स्टैंड आपके लैपटॉप को कूल रखने में मदद करती है, तो इसे भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। इसके लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसे भी चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते आज के लिस्ट के पहली लैपटॉप के बारे में। और आज की लिस्ट की सबसे पहली लैपटॉप निकल कर आती है लिनोवो की तरफ से, लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप। और इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह लैपटॉप आती है 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले के साथ। और वहीं पे प्रोसेसर की बात करें तो इस लैपटॉप में हमें AMD की तरफ से आने वाली Ryzen 5 प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब रैम की बात करें तो इस लैपटॉप में हमें 8GB रैम देखने को मिल जाती है जिससे आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 16GB तक। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात निकल कर आती है कि आपको रैम अपग्रेड ऑप्शन अप टू 16GB तक देखने को मिल जाती है जिससे इन फ्यूचर आप रैम को अपग्रेड करेगा अच्छी और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस पाएंगे इस लैपटॉप में। स्टोरेज की बात करें तो इस लैपटॉप में हमें एक बड़ी स्टोरेज देखने को मिल जाती है जिसमें हमें 1TB का HDD स्टोरेज और साथ ही में 256GB की SSD स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप एक स्लिम और एक लाइटवेट लैपटॉप ढूंढ रहे थे तो ये वाली वीडियो भी जरूर चेक करें। और अब बात करें ग्राफिक्स की तो इस लैपटॉप में हमें NVIDIA की तरफ से आने वाली NVIDIA GTX 1650 Ti 4GB ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है जिससे आप एक बेहतरीन गेम प्ले कर पाएंगे हायर ग्राफिक्स सेटिंग में भी। बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 6 से 7 घंटे की ऑन एवरेज बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। और आए दोस्तों आप जानते हैं इस लैपटॉप की फिजिकल USB पोर्ट्स के बारे में। और इस लैपटॉप में टोटल 3 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाती है जिसमें से 2 USB 3.1 टाइप ए पोर्ट और साथ ही में 1 USB 3.1 टाइप सी पोर्ट भी हमें देखने को मिल जाती है। तो आए दोस्तों आप जानते हैं ये लैपटॉप आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 ढूंढ रहे थे और वो भी लिनोवो ब्रांड से और साथ ही में उस लैपटॉप में आपको एक बड़ी स्टोरेज देखने को मिल जाए और साथ ही में रैम अपग्रेड ऑप्शन भी, तो ये लिनोवो की तरफ से आने वाली लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। सबसे पहले बात इस लैपटॉप में आपको Ryzen 5 प्रोसेसर देखने को मिल जाती है जिससे आपको एक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इस लैपटॉप में। नेक्स्ट इस लैपटॉप में आपको अप टू 16GB रैम अपग्रेड ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है जिससे आपको एक अच्छी फ्यूचर प्रूफ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और लास्टली इस लैपटॉप में आपको NVIDIA की तरफ से आने वाली 4GB 1650 Ti ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है जिससे आप एक हायर ग्राफिक्स सेटिंग में भी एक अच्छी गेम प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों ये लैपटॉप में उन सारे यूजर्स को रिकमेंड करना पसंद जिन्हें एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 चाहिए और वो भी लिनोवो ब्रांड से। तो ये लिनोवो की तरफ से आने वाली लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और इस लैपटॉप की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। और आइए दोस्तों आप जानते हैं आज के लिस्ट की दूसरी लैपटॉप के बारे में। आज के लिस्ट की हमारी दूसरी लैपटॉप निकल कर आती है HP की तरफ से आने वाली HP पैवेलियन गेमिंग लैपटॉप। और इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करते हैं, इस लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी हाइलाइटिंग बात है कि इसमें हमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यानी कि इस लैपटॉप में आपको अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है बिना किसी ग्राफिक्स लैग के। और साथ ही में एक स्मूथ गेम प्ले भी देखने को मिल जाएगी इस लैपटॉप में। रैम की बात करें तो इस लैपटॉप में हमें 8GB रैम देखने को मिल जाती है। और अच्छी बात है कि इस लैपटॉप की रैम को आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 16GB तक, यानी कि इस लैपटॉप में भी आपको एक अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है फ्यूचर में रैम को बस अपग्रेड कर। वहीं पे बात करें स्टोरेज की तो इस लैपटॉप में हमें एक बड़ी स्टोरेज देखने को मिल जाती है जिसमें हमें 1TB का HDD स्टोरेज और साथ ही में 256
6GB की फास्ट SSD स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ग्राफिक्स की बात करें तो इस लैपटॉप में हमें NVIDIA की तरफ से आने वाले GTX 1650 Ti 4GB ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। यानी कि इस लैपटॉप में आपको हायर ग्राफिक्स सेटिंग में भी एक स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 6 घंटे के ऑन एंड एवरेज बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। और अच्छी बात है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। और आई तो सब जानते हैं इस लैपटॉप की फिजिकल USB पोर्ट्स के बारे में, और इस लैपटॉप में हमें एक USB 3.1 टाइप ए पोर्ट, एक USB 3.1 टाइप सी पोर्ट और साथ ही में एक USB 2.0 टाइप ए पोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं ये लैपटॉप आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 ढूंढ रहे थे जिसमें आपको एक अल्ट्रा स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाए और साथ में ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस, तो दोस्तों ये HP की तरफ से आने वाली HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। इसके साथ ही दोस्तों ये वाली वीडियो भी जरूर चेक करें जिसमें मैंने बात किया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 90,000। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो इस लैपटॉप में आपको 144Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल देखने को मिल जाती है, यानी कि इस लैपटॉप में आपको काफी ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इस लैपटॉप में आपको रैम अपग्रेड ऑप्शन देखने को मिल जाती है अप टू 16GB तक। तो दोस्तों ये लैपटॉप में उन सारे यूजर्स को रिकमेंड करना पसंद करूँ जिन्हें एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 चाहिए और साथ ही में HP ब्रांड से। तो HP की तरफ से आने वाली HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और इस लैपटॉप की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। और आज की लिस्ट की हमारी सबसे आखिरी लैपटॉप निकल कर आती है Asus की तरफ से आने वाली Asus टफ गेमिंग F15 लैपटॉप। और इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में आपको 144Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल देखने को मिल जाती है, यानी कि इस लैपटॉप में आपको काफी ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है। और साथ ही में इस लैपटॉप में आपको काफी कम ग्राफिक्स लैग भी देखने को मिलेगी जिससे आपको ओवरऑल एक अच्छी गेम प्ले देखने को मिल जाएगी इस लैपटॉप में। नेक्स्ट प्रोसेसर की बात करें तो इस लैपटॉप में हमें इंटेल की तरफ से आने वाली कोर i5 10th जेन प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। रैम की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 8GB रैम देखने को मिल जाती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इस लैपटॉप की रैम को आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 32GB तक, यानी कि आपको फ्यूचर में भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी सिर्फ रैम को अपग्रेड कर। इसके साथ ही दोस्तों ये वाली वीडियो भी जरूर चेक करें जिसमें मैंने बात की बेस्ट स्लीक एंड लाइटवेट लैपटॉप अंडर 60,000। स्टोरेज की बात करें तो इस लैपटॉप में 512GB की फास्ट SSD स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और साथ ही में इस लैपटॉप में हमें M.2 स्लॉट देखने को मिल जाती है। ग्राफिक्स की बात करें तो इस लैपटॉप में भी हमें NVIDIA की तरफ से आने वाली GTX 1650 Ti 4GB ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में आपको हाई ग्राफिक्स सेटिंग में भी किसी भी तरह के ग्राफिक्स लैग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिससे आपको काफी ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाएगी इस लैपटॉप में। बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 5 घंटे की ऑन एन एवरेज बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। और आई तो सब जानते हैं इस लैपटॉप की फिजिकल USB पोर्ट्स के बारे में, और इस लैपटॉप में हमें 2 USB 3.1 टाइप ए पोर्ट और साथ में एक USB 3.1 टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं ये लैपटॉप आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट और बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 ढूंढ रहे थे और या फिर आप हार्डकोर गेमिंग करना पसंद करते हैं अपने लैपटॉप में, तो ये Asus की तरफ से आने वाली Asus टफ गेमिंग लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। सबसे पहली बात, इस लैपटॉप में आपको 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये काफी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले निकल कर आती है खास करके यदि आप हार्डकोर गेमिंग करना पसंद करते हैं या फिर एक स्मूथ गेम प्ले देखना पसंद करेंगे अपने लैपटॉप में। और इस लैपटॉप में आपको 144Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल होने से आपको काफी ज्यादा मक्खन जैसे गेम प्ले देखने को मिल जाएगी हायर ग्राफिक्स सेटिंग में भी। और वहीं पे ग्राफिक्स में इस लैपटॉप में हमें NVIDIA की तरफ से आने वाली GTX 1650 Ti 4GB ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। और उससे भी अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में आपको अप टू 32GB तक रैम अपग्रेड ऑप्शन देखने को मिल जाती है जिससे आप अपग्रेड कर एक अच्छी परफॉर्मेंस पा सकते हैं इन फ्यूचर में। तो दोस्तों ये लैपटॉप में उन सारे यूजर्स को रिकमेंड करना पसंद करूँ जिन्हें एक बेस्ट और बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 चाहिए, तो ये Asus की तरफ से आने वाली Asus टफ गेमिंग F15 लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और इस लैपटॉप की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आपकी कोई राय विचार या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।